sometimes we are dealing almost with Paul in this scenario in the palace of Caesarea. काफी अच्छे से हमने देखा है पॉलस पहल कैसर के राजमहल में रखा गया है. He was imprisoned there for over 2 years. और 2 साल से भी ज्यादा हो गए हैं कि उन्हें बंदी गृह में वहां पर कैद करके रखा. Already 160 years over this Festus. Festus के साथ उसकी एक बैठक हो चुकी है. Now this is again the sitting is in front of King Agrippa. और दूसरी उसकी बैठक राजा अग्रिप्पा के सामने हो रही है. This is at a request of Agrippa. और ये जब अग्रिप्पा राजा ने उसके लिए ये याचना की थी तब ये बात. Paul presents himself and he asking to see the man of God. और हम देखते हैं पौलुस ने अपने आप को उसके सामने प्रस्तुत किया और हम परमेश्वर के इस व्यक्ति को देखते हैं. It proved to them that his calling is from heaven. Heavenly calling, yeah, heavenly calling to do what is doing. और उसने ये साबित कर दिया उनके सामने कि जो कुछ भी वो कर रहा है वो स्वर्ग से द्वारा उसे उस काम करने के लिए बुलाया गया है. And he also said, it's a personal calling. God called me by name. Saul, he called me. And I was trying to persecute him. और जब वो दमिश्क के मार्ग पर लोगों को सताने के लिए जा रहा था तब परमेश्वर ने व्यक्तिगत तौर पर उसका नाम लेकर हे शाऊल करके उसे बुलाया है. And thirdly, he said, this call, God called me and commissioned me for his work. तीसरी बात ये बताई है कि परमेश्वर ने मुझे ना सिर्फ बुलाया परंतु अपने काम के लिए मुझे तैयार या फिर उसे नियुक्त किया है. He called me, he made me as a minister and witness to unto him before Gentiles and before the world. और उसने कहा कि अन्य जातियों के लिए या अन्य जातियों के सामने संसार के सामने उसका गवाह बनकर रहने के लिए मुझे बुलाया है. Because he said, the Lord told him, I'll send you. और वो इसलिए ये कहता है क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तुझे भेजता हूँ. So what wonderful thing to know that in the midst of there are many people who are not truly claimed to be the evangelist, claimed to be the preachers of the word, but they are not called by God. और हम देखते हैं संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को परमेश्वर के प्रचारक करके कहते हैं परंतु सही मायने में उन्हें परमेश्वर द्वारा बुलाया गया नहीं है. Preaching of the word of God is a personal calling to every individual. God anoints them in a special manner and empowers them and gives them strength and courage to go and preach the word. परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए परमेश्वर लोगों को या अपने लोगों को विशेष करके चुनता है उन्हें अभिषेक करता है ताकि वो जाकर संसार में उसके शब्द का उसके वचन का प्रचार कर सके. God wanted all of us to be a witness unto him. परमेश्वर ने चाहा है कि हम सब सभी उसके लिए गवाह बनकर रहे. और पिछले सप्ताह हमने देखा कि आम बुलाना होता है specific calling. और फिर एक विशेष करके बुलाना होता है. God wanted a specific calling he had. और पौलुस बता रहा है कि विशेष करके या खास करके कैसे उसे बुलाया गया है. And today we see the message of this, message of Paul. और आज हम पौलुस प्रेरित का संदेश सुनेंगे. What kind of message he is taking to the people? और किस तरह का संदेश वो लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा है? He said, by the help of God, he is preaching the word of God. और 22वें आयत में लिखा है, so परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की जो वचन का प्रचार वो परमेश्वर की सहायता से कर रहा है. The message of God is presented by the help of God, not with the cunning craftiness or the intelligence of man. परमेश्वर का जब वचन का प्रचार होता है वो केवल परमेश्वर की सहायता से हो सकता है ना कि मनुष्य के ज्ञान समझ और उसके कितने अच्छी तरह से वो प्रस्तुत करता है उससे. जब पौलुस प्रेरित खुद ये कहता है जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो केवल परमेश्वर की सहायता से कर रहा हूँ तो आप और मैं कितने नम्र होने चाहिए ये जो भी कार्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में करने के लिए हमें दिया है वो करने के लिए. वो ना सिर्फ परमेश्वर द्वारा
सेवकाई है उसे बरकरार या बनाए रखा। God's message never changes. परमेश्वर का जो संदेश होता है वो कभी नहीं बदलता। और वो कहता है परमेश्वर की सहायता से मैं आज भी वचन प्रचार कर रहा हूँ। विश्वासी की ये जिम्मेदारी बन पड़ती है कि सभी चीजों के लिए वो परमेश्वर को मान्यता दे। पहली बात तो वो बताता है कि परमेश्वर पर द्वारा